हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग पर। ठीक है, बहुत कम ब्लॉग शूट हो पा रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लाने की। ठीक है, तो अभी जो है सुबह सुबह बहुत कोहरा है, शायद आपको देख पा रहा हूँ। पीछे का माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा है, कितने लोगों की तरफ ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है कमेंट करके बताएं। बाकी चलिए, सुबह ठंड का माहौल, अभी हम पढ़ा के आ गए हैं, 5:30 पे गए थे, 6 बजे से लगभग क्लास था। ठीक है, अभी हम लोग फ्री हो गए, आज जल्दी अभी बजा हुआ है केवल 8:30। ठीक है, चलिए कुछ बढ़िया सा लेके आते हैं, जलेबी वगैरह कुछ ढूंढते हैं चल के। ठीक है, और जो मिल जाएगा वही लेके आएंगे। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कोहरा है। तो अभी हम लोग जहां पर गए थे वो एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। ठीक है सर, तो हमने जलेबी ली वहां से आधा किलो, फिर वो कह रहे थे हमारी तरफ से कुछ जलेबी खा लिया। हम आपको जानते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, बच्चे वगैरह आपके बारे में काफी बताते हैं, तो काफी अच्छा लगा, काफी खुशी हुई। फिर हमने कहा हमारे यहाँ भोग वगैरह लगता है मंदिर घर में, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कुछ हम अपनी तरफ से दे देते हैं। तो हमने कहा क्या ही करेंगे, ठीक है इसी से भोग लग जाएगा। बोले नहीं चलिए अच्छा ऐसा करते हैं, इसके साथ में दही दे। उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। ठीक है, इधर माल गोदाम पे जो स्टेशन रोड पे दुकान है, समोसे वगैरह बिकते हैं वहाँ पे, मिठाई बिकती, काफ़ी बढ़िया व्यक्ति हैं वो सर। ठीक है, तो अभी वहाँ से आए, चलिए मम्मी ने भोग के लिए जो चीज़ें निकलनी थी वो निकाल ली हैं। अब हम लोग खाते हैं जलेबी, फिर पियेंगे चाय, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद चल के चलाएंगे वीडियोस, क्योंकि आज 3 वीडियो पब्लिक करनी है 1-1 घंटे की। चलिए। वो बेचैन होती मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा पास। तो काफी मजेदार है जलेबी, ठंड के मौसम में सुबह सुबह गरम गरम जलेबी और दही, मजा आ गया था। चलिए चाय मम्मी लेके आ रही, जलेबी खाते हैं, उसके बाद खाएंगे चाय। चलिए चाय मम्मी लेके आ रही है, उसके बाद पियेंगे चाय, फिर चलेंगे रूम में, लगभग 1/2 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद चल के वीडियोस बनाएंगे। तो अभी दोस्तों हो गई है शाम। ठीक है, अभी हम लेके आ रहे हैं कि एक रिंग लाइट है, बड़ी वाली रिंग लाइट है, और साथ में इसके जो है एक ट्राईपॉड भी है। ठीक है, क्योंकि पुराना जो अपना ट्राईपॉड था थोड़ा सा ढीला हो गया था, कल फोन भी मेरे हाथ से छूट गया, बच गया, फूट जाता है फोन, और फोन अगर फूट जाता तो खेल बहुत बिगड़ जाता, क्योंकि फोन से ही हम जल्दी जल्दी वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक ट्राईपॉड लाए हैं, साथ में एक रिंग लाइट लाए हैं। शाम को अभी तो क्लास है, ठीक है, तो जल्दी में वीडियो वगैरह एक बना के आए, उससे पहले पब्लिक करते हैं, इसे अभी यहीं रख देते हैं, शाम को आके इसे खोल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी चलिए बने रहिए, चाय वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं पढ़ाने। तो अभी हो गई है शाम। ठीक है दोस्तों, पीछे देखिए बना हुआ है विद्युत अपोहन, अभी सारे क्लासेस खत्म हो गए, बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। ठीक है, तो अभी अपना बोर्ड बंद करते हैं, पहले चलते हैं घर। ठीक है, और थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे, फिर वापस आके और सारे क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर वालों के पेपर आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं घर, यश भाई को पेपर वगैरह बता देते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं बहुत ही जल्द, सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर चाय पीकर फिर रिकॉर्ड करेंगे क्लासेस। चलिए सर, और हाँ अपनी वो जो रखी हुई है रिंग लाइट वगैरह लाए थे, शायद आज भी ना खुल पाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हो जाती है दिक्कत, क्योंकि मेरा मानना है रिंग लाइट खोलने में क्या ही टाइम लगाएंगे, तब तक क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखते हैं अगर टाइम मिलेगा रात के 11-12 बजे खोल लेंगे, और वरना जो है क्या करते हैं ऐसी चीज़ों को रखा रहने देंगे, जब टाइम मिलेगा संडे वगैरह को तब उसे देखते हैं। चलिए सर घर चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर आते हैं वापस। फाइनली अभी रात का बज गया 11। ठीक, हम लेके आए थे बटाटा बड़ा, अपने आराम से बिट्टू भी इधर खा रही हैं और हम भी खा रहे हैं। ठीक है, बाकी पीछे अपनी वही जो रखी हुई है रिंग लाइट वगैरह लाए हुए थे, रिंग लाइट जो भी अपना ट्राईपॉड वगैरह वो सब रखा हुआ है, लेकिन अब वो नहीं खुल पाए, रात का 11 बज गया, और अभी हमें 2 वीडियोस एडिट भी करनी है। ठीक है, चलिए अगले ब्लॉग में हम आपको खोल के दिखाते हैं किस तरीके की बड़ी सी रिंग लाइट है, किस तरीके का ये ट्राईपॉड है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बटाटा बड़ा हम खाते हैं, आप लीजिए सर्दियों का आनंद। चलिए सर, जय।